हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30i एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट होने पर भी अगर आपके वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो है वाईफाई कनेक्टेड होता है लेकिन इंटरनेट काम नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ना सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के वाईफाई का इंटरनेट काम नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों यहां पर जो है आपको सबसे अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है अपने फोन की एक बार नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे आपको सिस्टम पर टैप करना है, इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर यह रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये जो तीन सेटिंग आपको दिखाई दे रही है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में पहले से इंक्लूडिंग रहती है, ठीक है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, आपको अगले पेज में फिर से इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके वाईफाई के इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का है ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको अगले पेज में यहाँ पे अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगला काम ये करना है, देखिए आपको ना अपने फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको है ना सबसे ऊपर ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज आपका APN का होगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। आपको थोड़ी देर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो आप APN सेटिंग को भी इस तरीके से रीसेट कर दीजिए जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना डेटा सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए सारे प्रोसेस आपको यूज करने, तो इससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।